व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो अगर हम चीजों को जिस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्या हम उसके व्यवहार को जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल में? वी कैन नॉट। ठीक है, तो पहले अच्छा था, अभी और अच्छा हो गया, पहले खराब था, अब अच्छा हो गया, कल बहुत अच्छा हो जाएगा, उस चीज को हमें कोडिफाई करना पड़ेगा और जीरो से लेके फाइव या जो भी आप अपना कोड्स दे सकते हैं वो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो पास फेल का करते हैं या जो भी हम जिस तरीके से डिसाइड करते हैं, पास फेल कुछ नहीं है वहां पे, वो आपको परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तब वो आपको ग्रेड या पास फेल का तरीका देगा। रिलेशनशिप्स आर नोन बट कॉम्प्लेक्स। अभी रिलेशनशिप्स नोन तो है, हमारे यहाँ देखा जाए तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होती है जब हम रिसर्च की बात करते हैं, और तीसरे तरीके का वेरिएबल होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, है ना। तो कहीं एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी काम आता है, तो यहाँ जो वेरिएबल्स है या रिलेशनशिप्स है वो आपको नोन होना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा, सपोज हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करते हैं, तो अगर सेल्स बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट से है, सेल्स बढ़ने के साथ प्रॉफिट बढ़ेगा, तो चाहे इनवर्स रिलेशनशिप है चाहे वो डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। तो बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ फाइनेंस, सो आई कैन टेल एंड आई कैन पुट द एग्जांपल्स फ्रॉम द फाइनेंस फील्ड। तो यहाँ इस तरीके की बात करते हैं। एंड ग्राफिक्स आर इम्पोर्टेंट, और आप देखते हैं अभी मैंने आपको तरीका दिखाया कि सपोज अगर हम एक छात्र जो शांतनु है, शांतनु के माध्यम से सिखा रहे हैं चीज़ों को, तो आपको थोड़ा एक इंटरेस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको केवल डेटा दे दिया जाए, एनुअल स्टेटमेंट्स किसी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, एनुअल रिपोर्ट दे दी जाए, तो क्या वो आप एनालाइज कर पाएंगे? नहीं। तो क्या करेंगे आप, उसमें कुछ कुछ फिगर्स लेंगे और उनको ग्राफिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड यू गॉट टू हैव द इनपुट इन द एक्सेल एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट इन द ग्राफिकल फॉर्म। सो अगर आप बार के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से चीजों को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर टूल पे डिपेंड करेगा कौन सा टूल चूज करके आप क्या रिजल्ट चाहते हैं। तो आपका जब एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पार्ट होगा तो ये एक्सेल आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा, और ये प्राइमरी सेशन है जिसको हम लेंगे। आगे आप जो और स्पीकर्स आएंगे वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप अपने अंदर एक अलग जगह ये एक्सेल में सीखना है, बिकॉज यहाँ अभी थोड़ा रेट बहुत कम है। तो व्हाट आई वांट इज कि कहीं ना कहीं एक्सेल को सीखने की आप कोशिश करिएगा, रिसोर्सेज को यूज करिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। एक्सेलेंट टीचिंग और बिजनेस कोर्सेज, तो हमारे यहाँ जितने अपने बिजनेस कोर्सेज होते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो आपको जो डेमोग्राफिक्स अभी के जो चेंजेस लेने हैं, आपको जो जो एनालिसिस अभी अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा सोर्स बताता हूँ, जैसे अगर आपको बताऊँ तो एक्सपोज करके एक डेटा बेस है, आप वहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं, बट एक्सपोज का सब्सक्रिप्शन काफ़ी थोड़ा वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होगा। सेम विद CMI, सेंटर फॉर मैनेजमेंट मैनेजिंग इंडियन इकोनॉमी करके है, और ये CMI का डेटा बेस आप ले सकते हैं। आप जब भी एनालिसिस करेंगे तो CMI या एक्सपोज या जो भी इस तरीके के ब्लैकमेल, ये सारे के सारे सोर्सेज आपको काम करेंगे आपके रिसर्च के पर्पज। आप ज्यादा दूर में जाइए, आप कह रहे मेरे ख्याल से गूगल अकाउंट तो हो गए, आप गूगल स्कॉलर यूज करिए। तो जब आप रिसोर्स को पता करेंगे, आपको एक्सेल तो एक बात है, बट मैं अलग अलग सोर्सेज भी आपको बता रहा हूँ कि जिन जिनको माध्यम बना के आप अपने रिसर्च को और बेहतर कर सकते हैं। इंटरनेशनल, अब जो टॉपिक का सिलेक्शन है, आई एम टोल्ड दैट यू आर द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, बट इट माइट बी मिक्स्ड ग्रुप आल्सो। कैसा ग्रुप है यहाँ पे? पॉलिटिकल साइंस के मेन नहीं है, तो आप अगर राजनीति शास्त्र के आप अपना वो अध्ययन करना चाहते हैं तो मार्क्स सर्वे या सर्वे मंकीज करके अलग अलग डिफरेंट नीलसन वाला सर्वे आता है, अलग अलग जो जो सर्वे आपके आते हैं पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में, तो आप उनको अध्ययन करके अच्छी तरीके से अपने मैडम से और जो भी आपके कोऑर्डिनेटर से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब कहते हैं व्हाट इज द डेटा मैनेजमेंट फीचर ऑफ एक्सेल, तो डेटा एंट्री एंड वैलिडेशन इज वेरी मच पॉसिबल, फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्ट। और देखिए हमें बात से जो सेकंड पॉइंट है, फाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम चीज़ों को, देखिए आप एग्जाम देने जाते हैं आप चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते तो फायदा नहीं ना, आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है अल्टीमेटली। तो फाइंडिंग हम लोग उसके लिए कुछ कमांड यूज करते हैं, जैसे कंट्रोल F हम यूज करते हैं, तो ट्राई टू लर्न दिस शॉर्टकट कीज, इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी, है ना। तो जैसे हम, और एक फीचर जो बेसिक है उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, जो लोग भी आपको MS Office अगर आता होगा, MS Office के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं,
आपका एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावरपॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया। ये तीन बेसिक कंपोनेंट है जो आपके यूज करते हैं। एमएस वर्ड में जो आप कमांड देते हैं लगभग सारे के सारे कमांड वही एक्सेल में। यू डोंट हैव टू रिमेंबर सो मेनी ऑफ कमांड्स। तो कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेज, कंट्रोल ए फॉर ऑल, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल जेड फॉर अनडू, ये सारे के सारे आपके कमांड्स रहेंगे। तो जब भी आप किसी को फाइल भी करना चाहते हैं डेटा को, आप जैसे कंट्रोल एफ पे जाके लिखेंगे, यू कैन फाइंड द डेटा एंड द डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। रीअरेंजिंग डेटा, यू कैन रीअरेंज द डेटा, यू कैन हैव द फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट को बदल सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, अलग अलग डेटा की स्टोरेज कर सकते हैं। अगर एक्सेल की वो एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट देखते हैं तो व्हाट इट इज देयर, इट इज ह्यूज मैट्रिक्स ऑफ 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। अगर आप देखिएगा तो आप इसके पीछे की भावना देखिएगा। मैं आज इसमें बताऊंगा आपको कि हमारे यहाँ जो बाइट्स हैं, जो बाइट्स हैं वो सबसे लोएस्ट फॉर्म है ना, केबीज, केबी फिर एमबी। तो 1024 बाइट्स में आपका 1 KB होगा एंड 1 KB 1024 KB में 1 MB होगा एंड समथिंग लाइक दैट। इफ यू मल्टीप्लाई 1024 इनटू 1024 इट विल बी 10,48,576। सो द बेसिक इंटेंशन और द बेसिक इट इज डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज इट। और अगर देखा जाए तो ये रोज और कॉलम्स का मिक्सचर है, पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट होती है, इट इज अ मिक्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। और उसको कॉलम्स के हिसाब से देखा जाएगा तो 1024 इनटू 16 करते हैं, सो दिस गिव्स यू द रिजल्ट ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मैं बच्चे से पूछना चाहूंगा, व्हाट आर बेटा आप बताओ व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स। नहीं आप वो बच्चे अभी बैठे हैं पीछे, नीचे ही व्हाट आर रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल। आपसे पूछ रहे हाँ खड़े हो जाओ बेटा, पूछिए आपसे कह रहे हैं। व्हाट आर कॉलम्स, डिजायर्ड है तो कितनी सेल होनी चाहिए। तो दैट इज लाइक गोल सीकिंग।
ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर देखा जाए तो फीचर तो गुड एक्सेल में बात करें, और ये एरर फ्री है, बट एरर फ्री बनाना पड़ता है। अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हमें इनपुट वैल्यू गलत होगी तो एरर आ जाती है। तो आपको जो एक अच्छा मॉडल होगा ना, उसको एरर फ्री होना चाहिए। यूजेस डेटा वैलिडेशन टेक्निक, तो डेटा को वैलिडेट करते हुए आगे बढ़ता है। फ्लेक्सिबल एंड सेंसिटिव होगा, इजी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, इजी टू यूज और वेल डॉक्यूमेंटेड। अब स्टडी ऑफ डेवलपिंग फॉर डेवलपिंग ए गुड वर्कशीट, आपकी जो अच्छी वर्कशीट है उसको डेवलप करना, ये आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ है मेक वर्कशीट सेंसिटिव, अवॉइड यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ हमारे यहाँ दो तरीके की वैल्यूज डिफाइन करी जाती है, वन इज एब्सोल्यूट वैल्यू, अदर वन इज प्रेफरेंस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यूज में हम लोग चीज़ों को फ्रीज नहीं करते, रेफरेंस सेल में हम चीज़ों को फ्रीज कर देते हैं। एब्सोल्यूट में तो अवॉइड यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। आई ट्राई टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल कि हमारे यहाँ अगर एक देखते हैं कि हमारे यहाँ जो जीएसटी की रेट है वो 18% है, उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक जगह एसजीएसटी चला जाएगा, एक जगह सीजीएसटी चला जाएगा। तो 9% ईच पार्ट इट विल गो, और अभी आपको 18% तो वो फ्रीज करना है, तो आप हर बार 18% तो लिखेंगे नहीं भाई। एक ऑप्शन है आपका क्वांटिटी और आपका अमाउंट, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके आप इसका टोटल जानना चाहते हैं। बट इस टोटल पे भी हमें क्वांटिटी और इसके साथ सेलिंग प्राइस के साथ आपको जीएसटी का रेट लगाना है, और उसमें भी सेग्रीगेशन चाहिए 9% का। तो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी गो फॉर डॉलर साइन विच इज नोन एज द रेफरेंस सेल। तो हम लोग हर बार उसको जाके 18% नहीं लिखेंगे, रादर केवल एक जगह फ्रीज कर देंगे, और उस फ्रीज करे हुए सेल से ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। सो यू डोंट नीड टू पुट 18% एवरी टाइम। सो दैट्स द काइंड ऑफ रिजल्ट इट विल बी गिविंग। एंड आइसोलेट वेरिएबल्स फ्रॉम द कॉन्सोनेंट्स, तो ये इस तरीके से करके, तो वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट अलग हो जाते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स है वो अलग हो जाते हैं। तो कैसे तरीका, वो आगे कभी सेशन में बताएंगे। देन डिवाइड इनपुट्स आउटपुट्स एंड कंप्यूटेशनल एरिया, आपको जो इनपुट एरिया है वो डिसाइड करना है, आउटपुट एरिया है, जैसे हम अगर इनपुट एरिया का जो ग्राफ है वो कहाँ लेना चाहते हैं वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और कंप्यूटेशनल एरिया भी आपको डिसाइड करना पड़ता है कहाँ उसका हमें कंप्यूटेशन करनी है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग मैथ्स जो लोग पढ़े हुए हैं, हम लोगों क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा टफ काम होता है ना, और इसमें केवल एक फॉर्मूला लगा कि आप एमल्ट का फॉर्मूला लगाइए, यू विल गेट द रिजल्ट इन वन सेकंड। तो अभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब अगर 4x6 की एक मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स अलग तरीके की है, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें तो अपना जो अगर पेन पेपर लेके बैठते हैं पीपल हु हैव बीन डूइंग इट, दे मस्ट बी नोइंग कितना टफ काम होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे, आपको वहाँ पे वो रिजल्ट आ जाएगा। सो अगेन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ईजी हो सकती हैं। इंट्रोड्यूस कंट्रोल सेल, आप कंट्रोल सेल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेक इट सिंपल। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए देखिए, टीचर का बेसिक काम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको सिंपल तरीके से समझाना, और ना कि सिंपल को और कॉम्प्लेक्स बनाना। तो जो चीज़ आप कॉम्प्लेक्स होंगी उनको जितनी जल्दी आप सिंपल बना लेंगे, वही एक अच्छे टीचर की ड्यूटी होती है। तो अल्टीमेटली जब आप एक्सेल में भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो एक्सेल का मॉडल बनता जाएगा वो बहुत सिंपल होता जाएगा, आप उस फॉर्मूला को जान जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताऊँ, अगर मैं एक बहुत एक कहीं हमें रिजल्ट बच्चे का पता करना है, तो हम लोग मोस्टली टीचर्स हैं, तो और ये बहुत यूटिलिटी वाला चीज़ है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम देते हैं कि लेस देन 40% पे फेल है, 40% से ऊपर पे पास है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, बट मैं ग्रेड के हिसाब से चाहता हूँ ए बी सी डी ई उसके हिसाब से, तो व्हाट आई मीन ट्राई टू इज मैं वी लुकअप के माध्यम से उसको इजी कर सकता हूँ, रादर देन आई कैन गो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो एक तो तरीका है इस लेस देन 40 फेल, मोर देन 40 पास, एक दूसरा तरीका क्या है इफ लेस देन 40 तो आपका फेल पास, बट अभी क्या है वहाँ पे थर्ड डिवीजन आ गया, मोर देन 40 बट लेस देन 45 थर्ड डिवीजन, 45 से 60 के बीच में सेकंड डिवीजन, 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन, 75% से ऊपर डिस्टिंक्शन। तो व्हाट आई विल डू इज अब इनके लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, ठीक है,
तो अभी जो लोग एक्सेल समझते हैं उनको बेहतर तरीके से मालूम होगा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकता हूँ और दूसरा एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा जो ग्रेड टेबल होगी, तो वहां हम जाके वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और मेरे को बहुत इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं होंगी अगर आपको फॉर्मूले का लगाना आता है तो। और फिर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट द मॉडल एंड टेस्ट बिफोर यू, हम कहते हैं टेस्ट रन करना चाहिए, जरूर टेस्ट रन करना चाहिए टेस्ट बिफोर यू। तो जब कंपनीज भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करती है तो एक प्रोटोटाइप उतारती है और ये प्रोटोटाइप उतारने के बाद ही किसी चीज को आगे लिया जाता है। देन मॉडल डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटिंग एक्सेल मॉडल डिस्क्रिप्शन रहेगा, एसोसिएटेड असम्पशंस इनपुट्स एंड आउटपुट्स, क्लियर कैप्चर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के जो कैप्शन होने चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना। एक्स और वाई एक्सिस के भी आपके जो कैप्शन है वो क्लियर होना चाहिए जिससे कि आपको चार्ट पे जो आउटपुट मिले वो ठीक मिले, ठीक है। वर्जन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कौन से वर्जन। अब हमारे एक बहुत बड़ी समस्या आती है, मैं तो ये जो एक्सेल यूज कर रहा हूँ वो है ऑफिस 365, अभी कोई ऑफिस 2019 यूज कर रहा होगा, कोई ऑफिस 2016 यूज कर रहा होगा, कोई 2013 यूज कर रहा होगा और कोई 2017 यूज कर रहा होगा। सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज कॉम्पैटिबिलिटी इशू, है ना। अक्सर क्या होगा जो हायर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन में जाके या तो करप्ट हो जाएगी या नहीं खुलेगी, है ना, तो वो कहलाता है। तो आपको वर्जन डिस्क्रिप्शन भी लिखना चाहिए कि किस वर्जन में ये चीजें पॉसिबल हैं, कर सकते हैं। और कुछ फंक्शंस जैसे जैसे आप ग्रेजुअली अपग्रेड करते हो चीजों को तो कुछ चीजें आपको 2007 में नहीं मिलेंगी जो 2016 और 19 में इंट्रोड्यूस करी है। एक छोटा सा एक आपको बताता हूँ, अगर दो नाम लिखे हुए हैं और एक नाम है अजय और एक नाम है उसी का जो लास्ट नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हुए हैं, अजय शर्मा सेम वे वंदना दीदी का नाम मैं कहूँ तो वंदना शर्मा, सेम वे अगर मनमीत मैम का नाम कहूँ तो, अभी ये दो डोमेन दो उसमें नाम दो सेल्स में नाम लिखे हुए हैं, इसको मुझे एक सेल में करना है। अभी एक सेल में करने के लिए तो मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं, कंट्रोल ई का एक फॉर्मूला आता है और उसे हम पैटर्न पहचानते हैं। आपको पहले सेल में जाके नाम लिखना होगा, सपोज मनमीत कौर विवेक शर्मा, बस पहले सेल में जो नाम लिखेंगे और इट विल ट्राई टू फाइंड द पैटर्न, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में जो आपने लिख दिया पहले दो आपने सेल में जो लिखा हुआ है उसको आप थर्ड सेल में एज आउटपुट चाह रहे हैं तो आपको फिर वो पैटर्न पहचान लेगा और वो सीधा सीधा सेम वे। अगर आपको ईमेल ऐड करना है तो vivek.sharma@bcv.co.in या .ac.in लिखना है तो आप एक जगह लिखेंगे नीचे की सारे ईमेल्स अपने आप को क्रिएट कर देगा। बट ये फैसिलिटी 2007 वाले मॉडल में अवेलेबल नहीं है, इस वर्जन में अवेलेबल नहीं है, 2016-19 और जितने। और दूसरी बड़ी बात है इसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी आपको एक्सेल अवेलेबल है। तो आपको वर्जन कितना भी बदलते रहें आप अगर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आप ऑफिस पे एक अपना अकाउंट बना लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके आप अपना ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है टीम्स, वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम होंगी, शायद मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेल को अगर आपके पास नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला फील्ड है, इसे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इतना आना चाहिए कि क्या करना है। एक बार बी, बी के बाद सी एंड सो ऑन। सेम वे अगर हम अपनी रिसर्च की बात कर रहे हैं या अपने सीखने के लिहाज से बात कर रहे हैं तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिखेंगे और ये 4, 5, 6 अकॉर्डिंगली हमें पैटर्न पहचान के दे देगा, ठीक है। ये पहले बात भी देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, उसके आगे कोई जरूरी नहीं कि उसके आगे फिगर होंगी। मीन्स सारी जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रोज हैं उतना तक लिख देगा वो, जब तक 10,48,000 तक, सब तक लिखता है, ठीक है, क्लियर। अभी हम देखते हैं, अब आप देखिएगा यहाँ पे हम 1 2 और ये सारा जितना भी आया तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत क्विकली समझा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ना समझ आए बट स्टिल मेरा पर्पज है कि अगर आप अपनी पेस ऑफ लर्निंग बढ़ाएंगे थोड़ा सा अपना उसको समझेंगे तो आपको असली अच्छा समझ आएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पे जो हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक सा बात समझ लीजिएगा इक्वल टू, और चूंकि हम इसका सब निकालना है तो जब भी हम मीन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं
सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब जो नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो टोटल जो नंबर ऑफ वैल्यूज है कितनी है 12, और सम ऑफ दी टोटल नंबर्स इज हाउ मच, तो ये आपको दे देगा। तो सम इज अब आप देखिएगा, अगर आप 102 को 160 से जोड़ेंगे, फिर 176 जोड़ेंगे, मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो आपको फिर देर लगेगी। सो व्हाट इट डज, इट ट्राइज टू फाइंड द पैटर्न, और यहाँ पे आपको इज इक्वल टू और सम करके हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, और आप देखिएगा ये जो ऑटो पॉपुलेट हुआ, दिस नोन एज ऑटो पॉपुलेट, इज इक्वल टू सम लिखेंगे और यहाँ पे जाके हम टैब देंगे। जैसे हम टैब देंगे, इट ट्राइज फॉर नंबर वन नंबर टू। अभी मैं यहाँ से पूरी रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये D6 से लेके और D6 से लेके यहाँ तक आपको कुछ भी सेलेक्ट कर रहा है। और आप एक और चीज़ देखेंगे, हमें नंबर जोड़ने के लिए कितने मिनिमम नंबर सही होते हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए कितने नंबर सही होते हैं, मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। बट अभी ये क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे नंबर वन लिखा हुआ है इक्वल टू सम नंबर वन नंबर टू, और ये नंबर वन पे ब्लू है, और ये पूरी रेंज ऑफ सेल पे केवल नंबर वन लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन दिस, इसको जोड़ने के लिए अगर हम पूरी रेंज ऑफ सेल्स को भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको एक ही नंबर ट्रीट कर रहा है, एक्सेल एक ही नंबर को ट्रीट कर रहा है पूरी रेंज ऑफ सेल्स को। इसके पीछे का फंडा क्या है, क्योंकि वो रेंज ऑफ सेल्स जैसे ही मैं चेंज करूँगा, सपोज ये लगातार मैंने 12 चूज करी ना, तो उसको एक नंबर था, इसके हिसाब से ये अलग नंबर नहीं है, पूरी रेंज ऑफ सेल्स एक नंबर है इसके हिसाब से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूं, लेट्स से 90 78, अभी मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर दिखाने की कोशिश करूंगा, इक्वल टू सम ऑफ नंबर वन 188, ये देखिएगा ये नंबर वन, और फिर मैंने इसको जोड़ा यहाँ, ठीक है, तो डी ई से लेके ई सेवन तक फिर रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, गेटिंग थिंग्स वेरी क्लियरली। तो ये रेंज ऑफ सेल्स को केवल एक नंबर मानेगा, ठीक है, ये रेंज ऑफ सेल्स जहां मैंने लिखा रेंज ऑफ सेल्स, तो रेंज ऑफ सेल्स को एक ही नंबर मानेगा, ठीक। अभी मैं फिर यहां तक फिर पूरा सेलेक्ट करूंगा तो फिर इसको एक ही नंबर मानेगा, बट नंबर सेकंड के लिए मेरे को किसी दूसरे कॉलम में जाके फिर सेलेक्ट करना होगा, तो फिर दूसरी रेंज मानेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करिए, तो ये बेसिक्स है, कुछ कुछ सीख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू सम और सम ऑफ व्हाट सम ऑफ व्हाट या इसका आंसर इसलिए 2494, ठीक है सम। और इसमें एक और चीज है, यह आपको दिखाऊंगा, अगर मैं सम यहाँ लिखना नहीं चाह रहा तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू फॉर एडिटिंग, एडिटिंग में मैं जाऊंगा और इसका ये जो ऑटो सम लिखा है ना, ऑटो सम और मैं जाके एंटर कर दूंगा, मेरे को फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, यस सर, बड़े तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू सम, बट वहां तो फॉर्मूला मुझे याद रखना पड़ा, यहाँ पे अगर मैं ये जो फॉर्मेट में इसका साइन बना हुआ है ऑटो सम का, सिग्मा से अगर मैं जाना चाहूंगा, बट इसकी एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि अगर इसके ठीक नीचे में आंसर चाह रहा हूँ तब तो मेरे को आंसर देगा, अगर मैं दो सेल बाद इसका आंसर चाहूंगा तो सिग्मा से आंसर नहीं आएगा। तो आपको साथ में लिमिटेशन भी मालूम होना चाहिए, यू हैव गॉट टू बी परफेक्ट व्हेन यू आर डूइंग इट, ठीक है। तो ये बहुत चीजें जरूरी हैं। और फिर आपको मैं छोटा सा एक और चीज बता के यहाँ पे क्या करेंगे, अभी क्या है आपको ये वैल्यूज काउंट करानी है, तो व्हाट यू विल डू इज इक्वल टू काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद यहाँ से हमने यहाँ तक का पूरा ले लिया, ये पूरा पैरामीटर्स को लिया और यहाँ से लेके तो यहाँ पे इसने 12 ले लिया, तो व्हाट इट ट्राइज टू डू इज इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे पहली चीज पे तो हमें दिया आंसर उसका सम ऑफ द टोटल वैल्यू, वहां दिया उसने काउंट में, अब उसने काउंट में हमें 1 2 3 का टोटल नहीं दिया, अगर मैं इक्वल टू सम लिखूंगा तो वहां से वहां तक का टोटल देगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है,
यहाँ पे अब हम देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू, अब अगर सीधी तरीके से जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू दिस डी एटीन है ना, डी एटीन डिवाइडेड बाई डी नाइन, इसको आंसर आएगा इट इज यूनिटी। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरीके से भी देख सकता हूँ, इक्वल टू एवरेज, एवरेज करूंगा और नंबर वन आंसर आ गया। इज देयर एनी डिफरेंस? नो सर, बट हियर यू विल सी, हियर यू विल सी डिफरेंस। यहां कोई डिफरेंस है नहीं, यहां मैं क्या कर रहा था 2494/12 आंसर आ गया। यहां मैंने इसको जो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बाद में आपको दिखेगा, ऊपर आप देखिएगा इक्वल टू एवरेज दे रहा है d6/d7 है ना। तो हमने दो तरीके से समझने की कोशिश करी, इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n है ना, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू, और वहां पे देखा तो वहां टोटल देखा था टोटल अपॉन नंबर करा, या हमने उसका फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला बार में आपको नंबर दिख रहे हैं। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और फिर कभी आएंगे। डेटा इज टू बी कैप्चर्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स एट मेनी इंटरवल्स, मतलब आपके डिफरेंट इंटरवल्स से अगर आपको डेटा यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। डेटा रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर एनालिसिस, मतलब आपको बहुत एनालिसिस करने से पहले बहुत सारा डेटा को प्रिपेयर करना हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके, जैसे सर ने बताया ना अभी 10 हाइपोथेसिस होंगी, इनके 70-80 क्वेश्चन होंगे, अभी उनकी इनपुट वैल्यूज अलग अलग होंगी, तो आपको डिफरेंट शीट्स से उनका आंसर चाहिए होगा। तो अकॉर्डिंगली आप वेरी वेल यू कैन डू इट। मेथड ऑफ एनालिसिस वुड रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, आपके तो आपके एक्सपेरिमेंटेशन के अलग अलग मेथड होंगे तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। हमारे क्या शब्द होता है, ट्रायल एंड एरर, तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। और दूसरी एक और चीज़ है, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए बट जब भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उसके साथ ही हम एंड रिजल्ट भी दिमाग में रखते हैं। क्या हम इतने सच्चे हो सकते हैं कि जो डेटा हमारा आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को वैलिडिटी से रिफ्लेक्ट कर दें, जिस जगह से आप सेकेंडरी डेटा सोर्स या प्राइमरी डेटा सोर्स ले रहे हैं? थोड़ा सा तो हम लोग वैरी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डेविएट करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। तो जो मैनिपुलेशन है वो आप ट्रायल एंड एरर के माध्यम से एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कर सकते हो, ऐसा भी ये चीज़ें बहुत आसान है। स्टैटिकल एनालिसिस नीड्स आर मॉडरेट, आपकी अगर स्टैटिकल एनालिसिस नीड्स, देखिएगा अभी आजकल हम बहुत SPSS आर तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं, बट आई टेल यू इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक्सेल से क्या कर सकते हो, आप अनोवा से बड़ा जल्दी कोई टेस्ट होती नहीं है इन जनरल, वो अगर वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्ट हैं, बट इन जनरल हम काई स्क्वायर निकाल सकते हैं, हम TFZ टेक्स्ट निकाल सकते हैं। एक्सेल में सारा प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी है कि आप इस सबको एनालाइज करके एक्सेल के माध्यम से ही उसके रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आप SPSS यूज करो, अच्छा है, आर यूज करो सॉफ्टवेयर की तरह बहुत अच्छा है, आर स्टूडियो और तमाम पाइथन में आजकल तो मशीन, और एक अभी बिल्कुल नया आया है और नया बड़ी इनफैक्ट काफ़ी पुराना है बट अभी थोड़ा यूज हो रहा है, देयर इज अ टर्म नोन एज ChatGPT। कितने लोग ChatGPT के बारे में जानते हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन यूजिंग इट? ChatGPT, ChatGPT जरूर यूज करिएगा। ChatGPT का AI के साथ एक है, ChatGPT AI के आप वेबसाइट पे लिखेंगे तो आपको यू विल हैव क्रिएट वन अकाउंट एंड इट विल ट्राई टू गिव यू आंसर। एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, उसमें अगर वेब सर्च को इनेबल कर लेंगे, एक गूगल पे जाके एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है ChatGPT का, अगर आप उसको ले लेंगे तो वेब सर्च इनेबल कर लेंगे तो आपको दो तरीके से आंसर मिलेगा। एक तो ChatGPT पे आपको आंसर्स मिल सकते हैं, जो आंसर उसमें मिलते हैं, और उसके माध्यम से फिर आप वेब सर्च भी कर सकते हैं, और यू कैन इनकॉर्पोरेट बोथ थिंग्स। और दूसरी बात, उसको आप रिफ्रेश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको सेकेंड आंसर मिलेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको टॉपिक को ब्रॉड करने के लिए, टॉपिक से डेटा ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा और वो सेकेंड आंसर देगा विच इज डिफरेंट दैन दी फर्स्ट वन। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं एक्सेल के बारे में तो बताऊंगा बट स्टिल मैं आपको थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए यूज कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन यूटिलाइज दोज थिंग्स
ChatGPT कैसे यूज करते हैं वो भी आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, यू विल गेट टू नो. सो स्टैटिक एनालिसिस नीड्स आर मॉडरेट, ग्राफिक्स आर नीडेड फॉर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स. अल्टीमेटली हम लोग जो हमारे ग्राफिक्स है वो यूज करके हम अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं. जितना भी इंटरप्रिटेशन पार्ट है, जितना हमारा फाइनली डेटा को एनालाइज करके हम इंटरप्रिट करते हैं, वो आपको वहाँ पे दिख जाता है. और ये आपको डिसाइड करना होता है, जैसे हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो पाई चार्ट आएगा, अगर सेल्स और प्रॉफिट की रिलेटिव उसकी बात करेंगे तो वो ग्राफ के माध्यम से आएगा, वो बार ग्राफ के माध्यम से आ सकता है और अलग अलग माध्यमों से आ सकता है. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ द रिसर्चर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. देन अभी अगर ये फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हाई शांतनु, हाउ डू यू फील अबाउट द यूसेज ऑफ एक्सेल? तो शांतनु बोलता है, नहीं, आई एम फीलिंग गुड. सो दिस शुड बी योर फीलिंग, आप अभी एक्सेल में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे. अभी ट्रस्ट दैट यू आल्सो मे बी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद एक्सेल. अभी नाउ लेट्स मूव इट. मेरे पास है 15 मिनट. तो अभी क्योंकि हम एक्सेल पे ज्यादा अभी फोकस नहीं करते, उसको मेरे पास एक्सेल पे भी तुम्हारे सामने बच्चा बैठा है, इधर भेज दो उसको, इधर भेज तू, इधर बैठ के पढ़ ले भाई. मुस्कान के आगे जो लड़का है इसको भेज दो. हां तुम्हारे आगे बैठा है, मुस्कान के आगे नहीं, आपके पीछे मुस्कान के आगे. हां ये बेटा आप इधर आके बैठ जाओ, मेरे पास शर्ट वाला इधर आ जाओ बेटा. आई थिंक लेक्चर सीम्स टू बी ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, नहीं नहीं, इधर आ जाओ, हमें इतना बहुत अच्छा लग रहा है सर. इन लोगों की तो कोर्स में है सर, एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में, इनके थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा आपका, उसमें 100 मार्क्स का. सो इंट्रोडक्शन टू है. अभी इसमें जो हम कवर करेंगे, अभी तो आज नहीं कवर करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम डज नॉट परमिट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सटेंडेड लेक्चर. तो इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, ओवरव्यू ऑफ एक्सेल, व्हाट आर रिबल्स, तो इसको मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिखा देता हूँ आपको. ये बेसिक है वो आप समझ लीजिएगा. व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्सेल बिल्डर? नाउ पार्ट्स में वी टॉक ऑफ, ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड दिस इज ऑफिस रिबन, देयर यू विल फाइंड इट, दिस इज ऑफिस रिबन, दिस क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार का बेसिक मतलब देखा जाए तो यहाँ से आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं.